हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या एक्सेल पर डेट फंक्शंस। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि अगला जो वीडियो आएगा वो डेट वैल्यू फंक्शन को और एक्सप्लेन करूँगा मैं, तो यहाँ पे डेट वैल्यू फंक्शन भी देखना है। देख लीजिए आप, ईयर, मंथ, डे, वीक डे, टेक्स्ट, एंड डेट, डेट, डेट वैल्यू, इसको आपको स्टडी करना है। ध्यान रहे, एक्सेल डे 11 की जो शीट है उसी में ये भी शीट है, सेकेंड नंबर शीट, जिसको आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। नाउ सबसे पहला जो फंक्शन होता है ईयर फंक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईयर फंक्शन, आखिर में ईयर फंक्शन से होता क्या है? तो चलिए इसको देखते हैं। हमें क्या लिखना है, इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखें यहाँ पे क्या होता है, सीरियल नंबर। ओके, तो सीरियल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। इस डेट को सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम एंटर करते हैं, अब देखो यहाँ बता दे रहा है 2017 है, सही है? यानी कि इसने क्या किया, इस डेट जो इसमें लिखा हुआ था, इस डेट में इसने किसको उठा लिया, ईयर को उठा लिया। ठीक है, अब अगर हमें मंथ को, अगर एक बार अब मैं फिर से, मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिए, ये डेट हमारी मेंशन है, इसमें से अगर हमें ईयर अलग करना है, इसमें से ईयर अलग कर ले, तो इक्वल टू लिखेंगे। ईयर, ईयर फंक्शन ही है, कोई भी फंक्शन चलाने के लिए इक्वल टू लिखना पड़ता है पहले, इक्वल टू, फिर ईयर लगाया। ईयर में देखिए यहाँ पे दिखा भी, रिटर्न द ईयर ऑफ द डेट, जो भी आप डेट देंगे उसका मैं ईयर बता देगा। ब्रैकेट ओपन, ओपन करने के बाद सीरियल नंबर मांग रहे हैं तो डेट आप टाइप करो, लेकिन डेट मेरी यहाँ लिखी हुई ऑलरेडी, हमने इसको बस सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते देखो ए टू एड्रेस आ गया, अब इंटर करते हैं। आप ब्रैकेट क्लोज करिए चाहे ना करिए, एक्सेल अपने आप क्लोज कर देता है ब्रैकेट, इंटर कर दीजिए। तो देखिए बता रहा है इसमें ईयर कौन सा है, 2017। अब इसी फंक्शन को हम यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, तो सबका देखो निकालने का 2017, 2018 जो जा जा है। ठीक है, अब हम लोग बात करें मंथ की, अगर हमें मंथ अलग करना है, इक्वल टू मंथ। ओके, इक्वल टू मंथ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें मंथ अलग करना है तो सीरियल नंबर। हाँ बिल्कुल सही, हम लोग अगर डेट की बात करते, कई जगह पे होता है MMDDYY होता है, जैसे अगर हम यूएसए स्टैंडर्ड की बात करते तो यूएसए स्टैंडर्ड में क्या होता है, MMDDYY लिखा जाता है। आप लोग कई बार अपने कंप्यूटर में भी देखते हो और उसको ठीक करते हो, है ना? और इंडिया में होता है DDMMYY, और कई जगह पे हो सकता है ईयर फिर मंथ फिर डे, जस्ट इसको रिवर्स सीक्वेंस में लिखा है, आपने जिस सीक्वेंस में लिखा हो इसका जस्ट रिवर्स हो। तो आपको क्या करना है, आपको उसमें से ईयर अलग करना है पहले, आपको जिस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना है, आप अगर ईयर फंक्शन लगाओगे चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, वो ईयर उसमें से निकाल लेगा। हाँ किसी भी फॉर्मेट में, हाँ निकाल लेगा। मंथ फंक्शन किसी भी फॉर्मेट में उसमें से मंथ निकाल लेता है, तो कितना बढ़िया चीज़ है ये। ओके हाँ 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 19, 12, 17 भी होगा ना, तो 17 को वो समझ जाता है कि कौन सा ईयर है, वहाँ से वो ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेगा, कर लेगा। तो इसमें हाँ बिल्कुल, इतना ये होशियार है हमारा एक्सेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मंथ की बात करते हैं, सीरियल नंबर अगेन देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया और एंटर किया मैंने, तो देखो इसमें बता दिया 12, यानी 12 दिसंबर। 12th क्या है, ये मंथ है। इसी तरह से अगर हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो देखो सबका निकाल दिया, कौन सा मंथ है, पहला मंथ है ये, कौन सा दूसरा मंथ है, तीसरा मंथ है, मार्च हो गया, मतलब दिसंबर 12 हो गया। अब डे इसमें से अलग करना है, तो हमको डे फंक्शन लगाना है, इक्वल टू करना है, और ये सीरियल नंबर यही है, अब इसमें डे अलग कर देगा 19। ठीक है, क्लियर? आप लोग याद होगा फॉर्म भरते होगे, तो फॉर्म में क्या होता है, कई बार आप फॉर्म भरोगे तो उसमें डेट अलग सेल में पूछेगा, डेट अलग, मंथ अलग और ईयर अलग, तीन अलग अलग कॉलम होते हैं, आप लोग भरते हो, फिर जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं एक जगह कंबाइंड होता होगा, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है। अगर सपोज करो हमें ईयर अलग सेल में लिखा, मंथ अलग सेल में लिखा, डे अलग सेल में लिखा, तो हम कैसे इन तीनों को अगर एक साथ जोड़ना है, वापस डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखिए डेट कमांड होता है। तो डेट कमांड में क्या होता है, इक्वल टू डेट, वापस डेट के फॉर्मेट में कर देते हैं, और इसमें देखो ब्रैकेट ओपन, सबसे पहली चीज़ क्या पूछ रहा है, ईयर कहाँ पे है, तो देखो पहले ईयर फिर मंथ फिर डे मांग रहा है, ध्यान से देखिए फंक्शन के अंदर, तो पहले ईयर, ईयर कौन सा, ये 2017, 2017 इज द ईयर ना, देन कॉमा, मंथ कौन सा है, सर यही ना मंथ है, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, ये मंथ है,
फिर कॉमा डे कौन सा है, सर ये डे है, बस एंटर कर दीजिए, देखो वापस डेट के फॉर्मेट में हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग डेट का फंक्शन हम लोग यूज़ करके वापस उसको डेट फंक्शन में फॉर्मेट में वापस कन्वर्ट कर लेंगे। कितना बढ़िया है, तो हमारे काम को फास्ट करना, और इस तरह के काम बहुत सारे ऑफिस में आपको करने को मिल जाते हैं, तो इसको आपको कैसे ईजी वे में करना है ये आपको समझना है। अब वीकडे फंक्शन, अगर हमें वीकडे निकालना है तो वीकडे फंक्शन देखो क्या होता है, ये बता देगा ये सप्ताह का कौन सा दिन है, समझ रहे हो। अब वीकडे का मतलब जरा इस तरह समझिए, अगर मैंने यहाँ पे संडे लिखा, ठीक है ना, संडे, और आपको पता है इसमें कस्टम लिस्ट बनी होती है, संडे को पकड़ के अगर हम ड्रैग करते तो अपने आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे तक आएगा, सही है ना। अब अगर हम संडे को अगर हम पहला दिन माने, इसको हम पहला दिन माने, इसको दूसरा, बात समझ रहे, तो सातवां दिन कौन सा होगा, सैटरडे, पक्का, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ज़रा समझिएगा, मंडे, अगर मैं कहता नहीं नहीं मेरे को मंडे से पहला दिन काउंट करना है, अगर मंडे को आप अगर पहला दिन अगर काउंट करेंगे, है ना, तो संडे कौन सा दिन आएगा, सातवां, नहीं समझ में आया सर जी, ये सीक्वेंस आपको डिसाइड करना है कि आप पहला तारीख पहला दिन किसको मानना चाहते हैं, संडे को कि मंडे को कि ट्यूसडे को कि वेंसडे को कि थर्सडे को कि फ्राइडे को कि सैटरडे को कि संडे को, ओके। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो हो सकता है अलग अलग जगह, किसी किसी में सोमवार कोई बहुत शुभ मानता है, सोमवार से शुरू करना चाहते हैं, उसको पहला तारीख लेना चाहते हैं, और अगर हम बात करें बहुत से लोग होते हैं फ्राइडे को मानते हैं शुभ दिन, तो फ्राइडे से शुरू करते हैं, तो कई कम्युनिटी होती है फ्राइडे को इम्पोर्टेंट डे लिखते हैं, कई फर्स्ट डे शुरुआत मानना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन चलिए हम लोग इसको लेके चलते हैं, हम लोग संडे को पहला दिन मानेंगे, अगर रिजल्ट मेरा 3 आएगा तो हम समझ जाएंगे ट्यूसडे, रिजल्ट अगर 4 आएगा समझ जाएंगे हम वेंसडे, ठीक है ना, इट्स नॉट वेडनेसडे इट्स वेंसडे, ठीक है, इक्वल टू वीक डे, वीक डे किया ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ सबसे पहले सीरियल नंबर मांग रहा है डेट का, तो सीरियल नंबर तो ये है डेट का, फिर कॉमा लगाइए, फिर देखिए कॉमा लगाने के लिए कह रहा है, कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगाने के बाद देखो यहाँ रिटर्न टाइप बोल रहा है, रिटर्न टाइप आपको कैसे चाहिए, तो मैंने अभी आपको समझा दिया है, अगर आप एक नंबर यहाँ टाइप करते हैं तो इसका मतलब है संडे को पहला दिन लेगा, तो यानी लास्ट डे कौन, सातवां दिन कौन सा होगा, सैटरडे, पहला दिन अगर संडे होगा तो सातवां दिन कौन सा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कॉमा के बाद अगर 2 अगर टाइप कर देते हैं तो ध्यान रखिए पहला तारीख किसको लेगा, मंडे को, और सातवां तारीख किसको लेगा, संडे को, हाँ सही तो है संडे, और अगर हम 0 टाइप करते तो मंडे को, मंडे को 0, सॉरी 3 अगर टाइप करते तो मंडे को 0 मानेगा और छठवां दिन संडे को ले लेगा, यानी कि मंडे को 0 मानेगा, मंडे को कोई नहीं काम, ओके। इसी तरह से 15 अगर मैं लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कॉमा के बाद 15, तो 15 नंबर का मैं टाइप करता हूँ तो फ्राइडे पहली तारीख होगी, यानी फ्राइडे से पहला दिन स्टार्ट होगा, तो सातवां तारीख कौन सा दिन खत्म होगा, थर्सडे को, सही है। आप बताओ कौन सा लेना चाहिए, हम लोग पहला वाला लेते हैं, संडे से पहला दिन, तीसरा, तो यानी कि 19 तारीख कौन सा दिन है, 3, 3 मतलब क्या हो गया, ट्यूसडे, तो समझ में आया। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। अब सवाल उठता है सर नहीं मजा आया, अच्छा अगर इसी में अगर मैं अगर करता अगर 15 कर देता तो, 15 कर देता तो 5, 5 भी मंगलवार ही है, कैसे, क्योंकि आपको पता है 15 मैंने डिजिट यूज किया ना, 15 डिजिट में ध्यान रहे फ्राइडे से दिन स्टार्ट होता है, किससे, फ्राइडे से पहला डे माना जाएगा, तो यहाँ देखो फ्राइडे तो थर्सडे भी खत्म होगा, इसको पहला, दूसरा, यहाँ देखो घूम फिर के 5 बार ट्यूसडे ही तो है इसके अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे 1 अगर डालते हैं तो 3 आता है, 3 मतलब इसके अकॉर्डिंगली आएगा रिजल्ट, क्लियर हो गया। अब सॉरी सर नहीं मजा आ रहा है सर, हम चाहते लिख के आए संडे है मंडे है, अब ऐसे 3 नंबर से हमें देखना पड़ेगा 3 नंबर ट्यूसडे क्या है, तो नहीं मजा आ रहा है सर, हम चाहते हैं ना यहाँ पे लिखा रहे ट्यूसडे, तो सर उसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन चलाएंगे, कौन सा फंक्शन चलाएंगे, टेक्स्ट फंक्शन, इक्वल टू
txt टेक्स्ट फंक्शन चलाइए, ब्रैकेट ओपन करिए, पूछ रहा वैल्यू, वैल्यू तो सर यही है, सही है, कॉमा, फॉर्मेट क्या चाहिए, क्या है, मैं यहाँ पे, अब देखो डेट आपको चाहिए ना, क्या चाहिए, डेट, सोमवार है, मंगलवार है, क्या है, 19 तारीख को क्या है, तो यहाँ पे आप डी मतलब डेट, डी डेट, डी डेट, डी डेट, यानी कि अगर चार बार अगर डी दबाएंगे तो इसका मतलब पूरा लिखा रहेगा क्या, ट्यूसडे, लेकिन अगर तीन बार डी दबाएंगे तो टी यू ई बस लिखा रहेगा शॉर्ट में, नहीं समझे, अगर तीन बार डी लिखेंगे तो टी यू ई, अगर चार बार डी लिखेंगे तो ट्यूसडे पूरा लिखा रहेगा, तो आप कैसा चाहते हैं, सॉल्व था, दो बार लिखेंगे तो नहीं, तीन और चार, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी अगर दो लिख करके एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, एंटर करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो क्या फंक्शन आ रहा है, सीधे कह रहा है नेम, अब नेम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, तो फॉर्मूला कैसे अब सही करना पड़ेगा, वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे हमें इस तरीके से नहीं देनी होगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या चाहिए, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, अभी भी नहीं आए, इसका मतलब डेट आपको टाइप करना पड़ेगा, तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, डेट को टाइप करते हैं 19/12/2017 2017, अब देखिए नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो गया, ओके देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती मैंने की, आप लोग मत करिएगा, टी ई एक्स टी ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू तो हम लोग सही ले रहे थे, यही डेट हमें चाहिए, कॉमा, अब यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, वैल्यू को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं, अगर हम टाइप करते ना डेट तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देना था, लेकिन ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं देने की जरूरत है, रेफरेंस हमने यूज़ किया है, फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको फॉर्मेट देना था 1 2 3 4 फोर टाइम्स डी, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा, ओके अब एंटर कर दिए, रिजल्ट आ गया ट्यूजडे, सही है, अब इसी तरह से बाकी का हमें ड्रैग करना है, क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए, आ गया, अब ये सही लग रहा है आपको फॉर्मेट, अब हमें एंड डेट जानना है, एंड डेट जानने के लिए जरा देखिए क्या करना है, एंड डेट के लिए क्वेश्चन नीचे दिया है, ये स्टार्ट डेट है, मान लीजिए कोई कोर्स है जो शुरू होता है इस तारीख से, और ये कोर्स ख़त्म कब होगा, शुड बी आफ्टर 1 year 3 months, ये क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि अगर ये स्टार्ट डेट है तो 1 साल 3 महीने बाद हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो लास्ट डेट बताओ क्या होगा, एंड डेट बताइए क्या होगा, तो इसके लिए तो बहुत सिंपल सा चीज़ यूज़ करना है, इक्वल टू इस डेट को सेलेक्ट करिए, इसमें प्लस करिए कितना, अब आपको पता है 1 साल 3 महीना, 1 साल को हम कितना दिन कहेंगे, इसको कन्वर्ट करिए डेज में, कितना दिन हुआ 365, प्लस कर लीजिए, प्लस 3 महीने को कितना दिन कहेंगे 90 दिन, है ना, 30 दिन का मानते हो तो 30 दिन का 90, बस क्लियर, 30 डेज के अकॉर्डिंगली 3 महीने का 90 दिन हो गया, बस एंटर कर दीजिए, लास्ट डेट देखिए क्या है 19/12/2019, सेम इसी तरीके से बाकी सबका कर लीजिए, सबका लास्ट डेट निकल गया, क्लियर है, तो अगर हमें स्टार्ट डेट पता है और हमें लास्ट डेट निकालनी है कि 6 महीने बाद अगर इनका कोर्स कंप्लीट हो या इतने समय बाद, तो लास्ट डेट इनका कौन सा होना चाहिए, जैसे आप लोग का इस समय पता है ना वैक्सीनेशन चल रहा है, ओके फर्स्ट डोज अगर इसका लिया तो लास्ट मतलब सेकेंड डोज कब तक लगना चाहिए, तो डेट निकालते हैं 84 दिन है ना, कितना है, अगर हम कोवैक्स कोविशील्ड की बात करें तो 84 दिन है, तो उसमें 84 डेज ऐड कर दीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, अगर तुम्हें कोविशील्ड आज लगा, आज कौन सी तारीख है, तो 05-08-2021, ठीक है ना, आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से फर्स्ट डोज लग चुका है, तो इक्वल टू इसमें क्या करिएगा, प्लस करिएगा कितना, 84 डेज आ जाएगा, 28 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, समझ गए, तो यानी कि उससे पहले आप घंटी अपनी बजा लीजिए, अपना रिमाइंडर डाल लीजिए कि भैया आज हमें कोविशील्ड लगवाना है, ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो समझ लो, देखो फंक्शन बहुत सारे हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन किस फंक्शन को कब चलाना है, आपको मैं बहुत सारे मतलब हथियार दे दिया हूँ, लेकिन कहाँ पे कौन सा हथियार चलाना है ये आपको डिसाइड करना है
है ना, यानी जहाँ सुई चलाना हो तलवार चलाएंगे, ऐसा नहीं है, जहाँ पे जो तक चलाना है वो चलाइए। अब डेट वैल्यू फंक्शन, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब डेट वैल्यू फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, अब आपको मैं बताऊँ, मैं आपसे पूछूँ, एक्सेल में जो डेट है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, फर्स्ट डेट कौन सा होगा, याद हो गया? एक बार हुआ था ये Y2K प्रॉब्लम, ईयर 2000 का प्रॉब्लम आया था, Y2K का प्रॉब्लम, हालांकि इंडिया में रिजॉल्व हो गया था, Y2K कंप्यूटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप गूगल कभी करना Y2K इशू या Y2K प्रॉब्लम, ईयर 2000, के मतलब 1000 होता है, तो Y2K, हाँ 2000 में इशू आया था कि इसके बाद का डेट कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि इसका बाद का डेट एग्जैक्टली कंप्यूटर में सेट ही नहीं था, उसको सेट करना था, तो किया था। अब देखिए एग्जैक्टली हमारा डेट स्टार्ट होता है इसमें कंप्यूटर में 1 1 1 9 0 0, तो दिस वन इज द फर्स्ट डेट हम लोग कह सकते हैं जो एक्सेल लेगा, क्लियर? ये पहली तारीख है और इसको इसका सीरियल नंबर एक्सेल में है 1। कैसे पता चल रहा है, चलिए यहाँ पे डेट वैल्यू फंक्शन लगा देते हैं। डेट वैल्यू फंक्शन है नीचे, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब आप क्या करिए, इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, ये इनवर्टेड कॉमा वाला इश्यू बहुत आ रहा है। डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन डबल इनवर्टेड कॉमा में 1 1 1900, ओके, पहला टाइप करना पड़ रहा है टेक्स्ट को, यानी ये पहला सीरियल नंबर है। पहला डेट एक तरीके से कह लो ये कौन सा मानता है, 1191 सॉरी 1900, और एंड कब होता है, एंड कब होगा, एंड डेट भी बता दूं। हाँ जी, अभी तो हम लोग का क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, अभी आगे चलेगा चलेगा चलेगा, कब तक ये आगे बढ़ेगा डेट, तो एक्सेल में पहले से डिसाइड कर लिया है कि भाई देखो 31 12, ठीक है, तो ये ठीक है, हम लोग तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे आई डोंट नो, लेकिन हाँ इन्होंने यहाँ तक डेट बना दिया, तो ये लास्ट डेट है, समझ रहे हो, दिस इज द फर्स्ट डेट और दिस इज द लास्ट डेट विच एक्सेल कैन एक्सेप्ट, ठीक। अब सॉल्व करते, सर मेरा डेट यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है, सर मेरा डेट का बताइए, ये डेट का नंबर कौन सा है इस डेट का, तो ध्यान रखिएगा अगर हम 2 1 1900 लेते तो क्या आता, 2 3 1 1900 लेते तो क्या आता, 3, समझ रहे हो। अब बताओ इसका क्या है रिजल्ट, डेट वैल्यू इक्वल टू डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन, ठीक है ना, अब डेट टेक्स्ट डबल इंडेड कॉमा 19 December 2017, Enter 43,088, क्लियर। आज की डेट का देखा जाए, आज की डेट का देखते हैं, इक्वल टू डेट वैल्यू 05-08-2021, हाँ इन्वर्टेड कॉमा तो ज़रूरी है वरना मेरे सामने नेम शो करेगा, एंटर। अच्छा वैल्यू की स्पेलिंग गलत है, फाइनली नेम दिख ही गया, हाँ एंटर करते हैं, ओके ये नंबर 44,413, तो दिस इज द डेट वैल्यू। और डेट वैल्यू मैं क्यों आपको पढ़ाया हूँ, क्योंकि याद है कि मैंने काउंट का फंक्शन जब बता रहा था तो यहाँ पे हम लोग डेट वैल्यू का यूज़ किए थे, यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ किया था, एक फंक्शन में हम लोग डेट नहीं सॉरी दूसरे शीट में शायद यूज़ किया, दूसरे शीट इफ फंक्शन में हम लोग यूज़ किए थे डेट वैल्यू का, ओके। तो डेट वैल्यू फंक्शन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फाइनली हम लोग ने क्या क्या चीज़ देख लिया, ईयर मंथ, ईयर क्या करता है, ईयर निकाल देगा डेट का, मंथ मंथ निकाल देगा, डेट डे निकाल देगा, वीकडे बता देगा कौन सा डे है, लेकिन काउंटिंग करके 1 2 3 से, और यहाँ पे टेक्स्ट में क्या करता है वो बता देता है। टेक्स्ट करते समय ध्यान रखिएगा जो आपको ये देना है अपना
फॉर्मेट वो किसमें देना है, वो किसमें देना है, ध्यान रखिए डबल इनवर्टेड कॉमा में देना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड डेट क्या करता है, एंड डेट बता देता है, लास्ट डेट यू कैन से डेट, अगर अलग अलग ईयर मंथ डेट लिखा है उसको एक फॉर्मेट में कर देगा। और डेट वैल्यू समझ गए आप लोग, डेट वैल्यू को समझना ज़रूरी है, एग्जैक्टली इस डेट की वैल्यू क्या है, 1। ओके, और हमने इस डेट की वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू क्या निकली, इस डेट की वैल्यू है 43,088। और आज की डेट जैसे मैंने अपने करंट डेट का निकाला 5 अगस्त 2021 का, तो ये देखिए डेट वैल्यू निकाल के बता दिया इसका है 44,413। ठीक है ना, क्लियर है। और अगर इसी में अगर हम कल का डेट का देखते तो पहले आज का देख लो, 13 है ना तो 12 होना चाहिए। ठीक है, वो सीरियल नंबर चलता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।